नमस्कार दोस्तों, आज का अपना मुख्य बिंदु है भारत में अरब आक्रमण। यदि इस बड़ी तिथि की हम बात करें 712 ईस्वी की, तो उसमें से 20 जून 712 रावण का युद्ध, सिंध तथा अरब सेना के बीच हुआ युद्ध अपने आप में एक बड़ा विषय है। ये वो तिथि है दोस्तों जिसने भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों के बढ़ते हुए प्रभाव को और आगे बढ़ाया। हम आज इसी के संदर्भ में बात करेंगे, तो किस प्रकार के रीजन्स रहे जिसमें अरब आक्रमणकारियों के हौसले बढ़ते गए और उनके एक के बाद एक सफल आक्रमण होते रहे। उस तिथि में अपने पास पहली तिथि है 20 जून 712 रावण का युद्ध। इस युद्ध में सिंध तथा अरब सेना के बीच में बड़ा युद्ध हुआ। इस परिस्थिति के तहत ऐसा मानते हैं कि 711 ईस्वी में अरब वासियों का एक जहाज था जो सिंध के प्रांत में देवल नामक तट तक पहुंचा। इस 711 में पहुंचे अरबी जहाज को सिंध का तत्कालीन शासक था दाहिर सेन के सैनिकों ने इस जहाज को लूटा। इस जहाज का कप्तान अपने वापस क्षेत्र में पहुंचा। जैसे ही ये व्यक्ति अपने क्षेत्र में गया, अरब कंट्री में यानी इस क्षेत्र में, इसने वो सारी घटनाएं बताई कि 711 इधर सिंध प्रांत नाम का कोई प्रांत है, वहां देवल नाम का कोई बंदरगाह है। इस बंदरगाह पे इस जहाज को लूटा गया और लूटने वाले सैनिक शायद दाहिर सेन के रहे। दाहिर सेन के इस इतने बड़े कृत्य को देखते हुए इराक के तत्कालीन गवर्नर हज्जाक, जो अरब के खलीफा वजीद के नीचे अपना काम करता था, दोबारा देखना चाहिए, इस समय अरब में तत्कालीन इराक का गवर्नर हज्जाक था, इस समय अरब के खलीफा वजीद नाम के, जो संपूर्ण मुस्लिमों के लिए शायद एक बड़ा सबक है। हजार ने दाहिर सेन से पूछा कि आपने हमारे जहाज को ही क्यों लूटा? अपने जो भारतीय लेखक हैं या दुनिया के बड़े लेखक हैं, शायद वो इस बात का कोई सही उत्तर नहीं दे पाए दाहिर सेन कि हमने आपके जहाज को ही क्यों लूटा। इस बात से नाराज होकर इराक के गवर्नर हज्जाक ने अरब के खलीफा वजीद से अनुमति मांगी कि हमें सिंध प्रांत पे आक्रमण करना चाहिए। अंत में ऐसा मानते हैं कि खलीफा ने हज्जाक को इजाजत दी सिंध पे आक्रमण करने की। हज्जाक का चचेरा भाई एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम था। इस पूरे आक्रमण के लिए मोहम्मद बिन कासिम को चुना गया। ये देखो, इराक का गवर्नर तत्कालीन हज्जाक ने अनुमति मांगी अरब के खलीफा वजीद से। वजीद ने सिंध पे आक्रमण करने की इजाजत दी। हजाक ने अपने चचेरे भाई एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम को इस पूरे युद्ध के लिए या इस पूरे आक्रमण के लिए चुना। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में भारत आया, लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि तत्कालीन सिंध प्रांत अपने आप में एक श्रेष्ठ राज्य था और इस राज्य का शासक ब्राह्मण दाहिर सेन था। लंबे दिनों तक मुस्लिम सेना का घेरा चला, लेकिन सिंध प्रांत की सेना को जीतने में असफल रहे। यहीं पे कोई मंदिर था, उस मंदिर के बारे में ऐसी किंवदंती थी संपूर्ण साम्राज्य में कि जब तक इस मंदिर की ध्वजा खड़ी रहेगी तो शायद इस राज्य को कोई जीत नहीं पाएगा। इस बात का पता चला मोहम्मद बिन कासिम को। जब मोहम्मद बिन कासिम को इस संपूर्ण जानकारी के बारे में पता चला, तो उन्होंने उस मंदिर से संपर्क किया। उस मंदिर में संपर्क किया और उस मंदिर के पुजारी से मोहम्मद बिन कासिम मिला। ऐसा माना गया कि शायद मंदिर का पुजारी देशद्रोही या गद्दार था। मंदिर के पुजारी ने वो सारी बातें बता दी कि शायद मंदिर की ध्वजा को झुका दिया जाए तो सिंध की सेना युद्ध करने से पहले ही अपनी हार मान लेगी। 20 जून 712 ईस्वी को रावण के युद्ध में सिंध तथा अरब सेना का आमना सामना हुआ।
युद्ध से कुछ समय पहले मंदिर की ध्वजा को झुका दिया गया और युद्ध में इस प्रकार की परिस्थिति को देखते हुए संपूर्ण सिंध सेना का मनोबल नीचे गिरा। अंत में बड़ा युद्ध हुआ सिंध तथा अरबों के बीच। एक इस प्रकार की परिस्थिति बनी, दाहिर सेन किसी हाथी पर बैठकर युद्ध कर रहे थे, अचानक उनके सीने पे कोई बाण लगा और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु होने के बाद एक बड़ा विषय ये रहा कि क्या सिंध का संपूर्ण साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दाहिर सेन की पहली पत्नी थी रानी बाई। अपने इतिहासकार या फिर पुराने जितने भी साक्ष्य हैं वो ये बताते हैं कि शायद रानी बाई ने भी कई दिनों तक डट के मुकाबला किया, लेकिन मुस्लिम सेना का सामना न कर पाने के कारण रानी बाई ने जोहर किया। दाहिर सेन की एक पत्नी और थी जिसका नाम था लाडी। इसकी दूसरी पत्नी लाडी तथा दो पुत्रियां, नंबर एक सूर्य देवी और दूसरी परमल देवी। इसकी दो पत्नियां सूर्य देवी और दूसरी परमल देवी। 20 जून 712 ईस्वी रावण के इस युद्ध में सिंध की हार हुई। दाहिर सेन लड़ता हुआ मारा गया। रानी बाई ने भी अंत में जोर किया, लेकिन लाडो बाई लाडी तथा उनकी दो पुत्रियां सूर्य देवी एवं परमल देवी, इन दोनों को अपने साथ ले गया मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन इन दोनों पुत्रियों को और इस लाडी को अपने साथ ले गया इराक। जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम सूर्य देवी और परमल देवी को लेके इराक पहुंचा, तो यहाँ का तात्कालीन जो खलीफा था वजीद, वो इन दोनों पुत्रियों के सुंदरीता को देख के काफी प्रभावित हुआ और सूर्य देवी और परमल देवी के लिए उन्होंने अपने सैनिकों से बोला कि इन दोनों को ही हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। अब खलीफा था, उनका जो आदेश है वो मानना सर्वोपरि था। उनके आदेश के अनुसार सूर्य देवी और परमल देवी दोनों को उनके पास ले जाया गया। लेकिन जैसे ही सूर्य देवी और परमल देवी को खलीफा के सामने प्रस्तुत किया गया, तो सूर्य देवी और परमल देवी ने यह कहते हुए खलीफा को मना कर दिया कि आपने जिस काम के लिए हमें बुलाया है वो कौमारी हम तो पहले से मोहम्मद बिन कासिम कर चुका है। इन दोनों ने खलीफा से कहा कि हम तो कौमारी की अवस्था में रही नहीं, ये हमारा कौमारी तो भंग कर चुके हैं मोहम्मद बिन कासिम। अब इस झूठी मनगढ़ंत कहानी के बाद खलीफा मोहम्मद बिन कासिम से इतना नाराज हुआ, उन्होंने आदेश दे दिया कि कासिम को बैल के चमड़े में जीवित सिलाई करके हमारे पास हाजिर किया जाए। ऐसा ही हुआ, मोहम्मद बिन कासिम को बैल के चमड़े में जीवित सील कर खलीफा के सामने प्रस्तुत किया गया। लेकिन जैसे ही उनको खलीफा के सामने प्रस्तुत किया गया, तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उनकी मृत्यु के बाद सूर्य देवी और परमल देवी ने खलीफा से कहा कि मोहम्मद बिन कासिम एक पाक व्यक्ति था, इसने हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया था, हमने तो अपने बाप की मृत्यु या अपने बाप की हार का बदला लेने के लिए आपसे ऐसा कुछ किया। उसके बाद खलीफा ने इन दोनों को मारने का आदेश दिया, सूर्य देवी और परमल देवी। अपने लिए विशेष बात यह रही कि अरब आक्रमण की श्रेणी में 712 ईस्वी और उसमें से 20 जून 712 रावण का युद्ध भारतीय इतिहास में एक बड़ी तिथि माना जाता है, क्योंकि इसके बाद मुस्लिम आक्रमणकारियों का कारोबार बढ़ता ही रहा। यह था अरब आक्रमणकारियों में अपना पहला पार्ट। इसके ठीक बाद हम पढ़ेंगे आने वाले परवर्ती मुस्लिम आक्रमणकारियों के बारे में, जैसे मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। यानी ये परंपरा संपूर्ण रूप से हमने आज शुरू किए अरब आक्रमण से, जिसका अंत होगा सल्तनत काल के अंतिम शासकों से। धन्यवाद दोस्तों, ये था अरब आक्रमण।